हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2 मीटर की शलवार कटिंग बताऊंगी, जिसको बहुत ही एक एक बारीकी से हर चीज़ बताऊंगी। इसमें कहाँ पे किसके कितना मेजरमेंट होना है, क्या है, वो मैं आप लोगों को बहुत आसान वे में बताऊंगी। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पत्ते को ओपन कर लेंगे। जो जो भी आपके पास शलवार हो आप उससे मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे मैं इससे ले रही हूँ। ओके, इस सिलाई को ऐसे पकड़ेंगे। ओके, इस तरीके से जो भी हो आपका आप उससे इस तरीके से ले सकते हैं। पीस हो गया, हम इसको साइड से करते हैं और देखते हैं इस यहाँ से जो कन्नी हो जो स्टार्टिंग हुआ वहाँ से ऐसे करके इसको इस तरीके से 31 नीचे लाने। फ्रेंड्स, मेरी लेंथ जो है वो मुझे 31 आई है, तो मुझे 31 रखना है। आपकी जो आई हो आप वहाँ पे रखिएगा। आप ये 31 है यहाँ पे मैं कम कर ले, ये देखिए यहाँ पे आप ये ऐसे करके ये कर लीजिए। अब यहाँ से ही हमको ये जो हमने 31 पे किया है, अब यहाँ इसी कट से हमको ऐसे फोल्ड करके फोल्ड करना है कपड़े को अपने। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपना जो मेरा मेजरमेंट है मैंने इतना अपना फोल्ड कर लिया है। अब आप जो है मैंने फोल्ड कर चुकी हूँ, अब वो हमको यहाँ पे कट कर लेना है। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे जो मेरा डबल आया मैंने वहाँ पे ये फालतू कपड़ा जो है इसको अलग कर लिया। अब हमको इसको अलग कर ले निकाल लेना होगा। इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे, ये हमारे बेल्ट के काम आएगा और बेल्ट जो लगाते हैं वो इस कपड़े में हमारी एडजस्ट हो जाएगी। और अगर किसी को ये कम लगता है तो आपका जो जम्पर है उसका कपड़ा इसमें एडजस्ट करके आप बना सकते हैं। और अब हमें इस कपड़े को अलग करके बराबर कर लेने से छोटा बड़ा नहीं होता है। और इस तरीके से यहाँ से सीधा देख सकते हैं आप, हमने ये फ्रेंड्स इन दोनों साइडों को ऐसे पकड़ लिया है। दोनों अंदर आ गए हैं और सीधे दोनों ऊपर आ गए हैं। हम इसको एक सा बिल्कुल करके इसको फैला लेते हैं। साइड जो है इस पे हम 8 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। 8 इंच का कपड़ा जो है हमें इसे ऐसे ही फोल्ड इस निशान से ऐसे ही यहाँ से फोल्ड करना होगा। 8 इंच जितना भी आप पहुंचा रखना चाहें उतना ही आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए हमने यहाँ पे 8 इंच यहाँ से कटिंग करनी होगी। ये यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हमें सिर्फ एक ही साइड काटनी है, दूसरी साइड नहीं काटनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए ये वाला साइड काटना है, ये वाला हमको नहीं काटना है, सिर्फ हमको ये वाली कली एक ज्वाइंट इसका काटना है सिर्फ, और ये वाला इसी में ही जुड़ा रहेगा, इसमें ही ये वाला साइड जो है ये इसमें ही जुड़ा रहेगा। ओके, निशान लगा के ऐसे
निशान लगा सकते हैं ऐसे। देखिए ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड इसमें ही जुड़ा रहेगा, और वो वाला साइड जो है वो इधर। मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बस यहाँ पे अब मैं काट रही हूँ, यहाँ से ही आप देखिएगा, निशान से ही आपको भी कटिंग करनी होगी। देख सकते हैं हम तनाव के आपने, देख सकते हैं, और बिल्कुल सेट कर लेना होगा आपको। 9 इंच का निशान लगा के इसको हम काट देंगे। ये रखते सारे इसको हमें इसे काट लेना होगा। रुमाल हो गया, तो इसको हम रुमाल बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, मैं स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। और देखिए एकदम परफेक्ट लुक आता है, भी अच्छा हो जाता है। ये हो गया, अब हमारा बेल्ट बन गया है, हमें बेल्ट को निकालना है। हमारी बेल्ट का